Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture series of numerical integration in numerical analysis, now we are talking about how to derive trapezoidal rule, Simpson 1 by 3rd rule, Simpson 3 by 8 rule, Boole's rule, and Weddle rule formula from general quadrature formula. तो ये चूँकि हमारे पास जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला जो कि ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं. ट्रेपेज़ॉइडल रूल के लिए हमें क्या करना है, ये जो एन है इस एन को वन से रिप्लेस कर देना है और साथ ही उसमें सेकंड एंड हायर ऑर्डर, ये सेकंड एंड हायर ऑर्डर जो डिफरेंसेस हैं इनको आपने वैनिश कर देना है. तो आपके पास सिर्फ एन वाई नाट प्लस एन स्केयर बाई टू डेल्टा वाई नाट ये रह जाएगा और इसी लिहाज से आप एक इंटरवल पे ट्रेपेज़ॉइडल रूल जो है वो ड्राइव कर लेंगे. उससे अगले इंटरवल पे हम अलग से करेंगे, उससे अगले इंटरवल पे अलग से करेंगे और एंड सो ऑन आप एन इंटरवल तक ये फाइंड आउट कर लेंगे. फिर आखिर में आप उन सब को ऐड करेंगे तो आपको जनरल ट्रेपेज़ॉइडल रूल फार्मूला मिल जाएगा. अगर आप सिम्पसन वन थर्ड की बात करें उसके लिए आपको n को 2 से रिप्लेस करना होगा. 2 से जब रिप्लेस करेंगे तो थर्ड एंड हायर ऑर्डर डिफरेंसेस जो है वो वैनिश हो जाएंगे. आपके पास ये फर्स्ट 3 टर्म जो है ये सर्वाइव करेंगे और ये आपको मिलेगा एक सेकंड ऑर्डर पॉलीनोमियल के लिए फार्मूला, यानी दो इंटरवल्स के दरमियान एक सेकंड ऑर्डर पॉलीनोमियल. उसके बाद अगले दो इंटरवल के लिए हम अलग से करेंगे, अगले दो इंटरवल के लिए अलग से करेंगे और इसी तरह से आपने जो एन सब इंटरवल बनाए होंगे उनके लिए आप फाइंड आउट करने के बाद ट्रेपेज़ॉइडल रूल की तरह आप इनको क्या करेंगे, ऐड अप करेंगे तो आपको जनरल फार्मूला मिल जाएगा सिम्पसन वन थर्ड रूल के लिए. और इसके लिए आपको पता है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो नंबर ऑफ सब इंटरवल होंगे वो इवन होने चाहिए सिम्पसन वन थर्ड के लिए. फिर सिम्पसन 3/8 के लिए बूल्स रूल और वेडल रूल के लिए ये हम आगे स्टेप बाय स्टेप जब करते हैं तो उधर ही डिस्क्राइब कर लेंगे कि हमें क्या करना है. तो पहले हम ट्रेपेज़ॉइडल रूल को देखते हैं. ये ट्रेपेज़ॉइडल रूल है, क्या किया हमने, एन को वन सब्स्टिट्यूट किया जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला में और निगलेक्ट कर दिया आपने सेकेंड और हायर ऑर्डर डिफरेंसेज जो डेल्टा की टर्म है, डेल्टा डेल्टा स्केयर वाई नाट डेल्टा क्यूब वाई नाट एंड सो ऑन जो कि इस फार्मूला के अंदर हैं. यानी आपको डेल्टा स्केयर डेल्टा क्यूब डेल्टा फोर्थ एंड और इसके जितने भी हायर ऑर्डर अप टू यानी टू से हायर ऑर्डर जितने भी हैं वो आपने सारे निगलेक्ट करने हैं. सिर्फ ये दो टर्म आपके पास सर्वाइव करेंगी और ये आपको जो फार्मूला मिलेगा ये एक सब इंटरवल के लिए होगा और उसे आप लिखेंगे एक्स नाट टू एक्स नाट प्लस एच. ये हमने वो लिख लिया एक्स नाट टू एक्स नाट प्लस एच यानी एक्स नाट टू एक्स वन पहला सब इंटरवल जो है. तो आपके पास ये सर्वाइव किया एच इंटू वाई नाट प्लस वन बाई टू डेल्टा वाई नाट. अब डेल्टा वाई नाट हम पीछे जिक्र कर चुके हैं कि ये वाई वन माइनस वाई नाट के इक्वल है, ये डिफरेंस है वाई नाट का. तो इसमें से ये वन बाई टू जो है ये कॉमन किया तो ये बन जाएगा टू वाई नाट प्लस वाई वन माइनस वाई नाट और टू वाई नाट माइनस वाई नाट रह जाएगा वाई नाट प्लस वाई वन. तो ये एक इंटरवल के लिए आपको ट्रेपेज़ॉइडल फार्मूला मिल गया. अब इसको हम अगले इंटरवल पे लेके चलते हैं. ये चूँकि एक्स नाट से एक्स वन था, अब हम एक्स वन से एक्स टू पर चलते हैं. ये एक्स वन टू एक्स टू यानी एक्स वन है आपका एक्स नाट प्लस एच और एक्स टू है एक्स नाट प्लस टू एच. तो फ़र्क क्या पड़ेगा, ये एच बाई टू वाई नाट प्लस वाई वन है तो अगले इंटरवल पे ये एच बाई टू ही रहेगा, ये वाई नाट की बजाय वाई वन और ये वाई वन की बजाय वाई टू. क्योंकि यहाँ पे वाई नाट इसलिए था आपका स्टार्ट ही एक्स नाट से हो रहा है तो एक्स नाट पे जो आपको वैल्यू मिलेगी वो वाई नाट है. वाई वन इसलिए है क्योंकि एक्स नाट आपका फाइनल पॉइंट है इंटरवल का एंडिंग पॉइंट, तो इस पे जो वाई की वैल्यू है वो वाई वन है. अब अगर यहाँ देखें तो आपका स्टार्टिंग एक्स वन है और फाइनल जो है वो
एक्स टू है, तो उसी तरह से आपको वाई वन और वाई टू मिलेगा। और ये इसी तरह से आप हर एक सब इंटरवल पर ये फाइंड आउट करते जाएंगे। ये हमने एंथ के लिए लिखा, अब इस एंथ में आप क्या करेंगे, एंथ इंटरवल में अब इधर ही एन को रिप्लेस करते जाएं तो आपको यहाँ पे ये मिलता जाएगा। मसलन यहाँ पे आप एन को टू कर लें, एन को टू करेंगे तो ये मिलेगा आपको एक्स नॉट प्लस एच, और एक्स नॉट प्लस टू एच मीन यही मिलेगा। हम सिर्फ वेरीफाई करना चाहते हैं कि वाकई हमें वो मिल जाएंगे या नहीं मिलेंगे। तो यहाँ देखें ये किसके इक्वल, एच बाई टू वाई एन माइनस वन प्लस वाई एन। तो एन चूँकि आपने टू लेना है तो ये मिलेगा वाई वन प्लस वाई टू, तो ये वही मिल रहा है। इसका मतलब ये जो आपने एंथ लिखा है इसमें आप एन को चेंज करते जाएं तो आपको हर इंटरवल के लिए ये फार्मूला मिलता जाएगा। अब इन सब को आपने क्या किया, ऐड कर लिया इन सब को। तो जब ऐड करेंगे तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट एक्स नॉट और फाइनल पॉइंट होगा एक्स नॉट प्लस एन एच, यानी ये अल्फ़ा और ये बीटा जो आपने इंटरवल कंसिडर किया हुआ है। तो एच बाई टू ये देखें सम में आ रहा है, तो एच बाई टू सब से कॉमन कर लिया। फर्स्ट इंटरवल पे है वाई नॉट प्लस वाई वन, सेकेंड इंटरवल पे वाई वन प्लस वाई टू, इसी तरह चलते चलते लास्ट पे है वाई एन माइनस वन प्लस वाई एन। ये तो इनको एडअप किया, फर्स्ट और लास्ट जो है ये सिंगल कॉफिशेंट के साथ, और बाकी सारे ये देखें ये इसका एंडिंग वाई वन है, इसका स्टार्टिंग वाई वन है, इसका एंडिंग वाई टू और इसका स्टार्टिंग वाई टू होगा। तो ये सारे इनके कॉफिशेंट आ जाएंगे टू टू, तो वो टू कॉमन किया और वो सारे के सारे कॉफिशेंट लिख लिए, और ये आपका बन गया ये वाला ट्रेपेज़ॉइडल रूल फार्मूला। अब ज़रा सिम्पसन वन थर्ड की बात करते हैं। सिम्पसन वन थर्ड के लिए हमें क्या करना है, जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला में एन को टू से रिप्लेस करना है। तो एन को टू लिखा और थर्ड और हायर ऑर्डर डिफरेंसेस जो हैं उनको आपने निगलेक्ट कर देना है। ये आपका जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला, इसमें ये थर्ड और ये सारे इसके आगे वाले इससे थर्ड से हायर जो हैं डिफरेंसेस हैं इन सबको निगलेक्ट कर देना। तो आपके पास एक ये फर्स्ट टर्म, एक ये सेकंड और ये थर्ड जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला से सिम्पसन वन थर्ड के लिए सर्वाइव करेंगी। ये दो इंटरवल के लिए होगा क्योंकि इसमें जो इसकी जो बेस होती है सिम्पसन वन थर्ड की वो पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री टू होती है, और वो पॉलीनोमियल दो इंटरवल से गुजरती है। ये हम वैसे भी कर चुके हैं पहले। तो अब देखें ये दो सर्वाइव की, अब एन को आपने क्या करना है, टू से रिप्लेस करना है। जहाँ जहाँ एन है उसको आप टू लिख लें, ये हमने टू लिख लिया उन तमाम को। ये एन वाई नाट था, टू वाई नाट बन गया एन स्केयर बाई टू, तो ये टू स्केयर बाई टू बन जाएगा। ये एन क्यूब बाई थ्री माइनस एन स्केयर बाई टू, तो ये टू क्यूब बाई थ्री माइनस टू स्केयर बाई टू ये बन गया। अब इनको आपने सिंप्लीफाई करना है, तो टू वाई नाट प्लस ये टू स्केयर बाई टू टू ही रह जाएगा, टू डेल्टा वाई नाट प्लस वन बाई टू, ये बन जाएगा आपके पास एट बाई थ्री माइनस फोर बाई टू यानी टू डेल्टा स्केयर वाई नाट। अब ये तो टू वाई नाट, डेल्टा वाई नाट को हमने लिखा हुआ है वाई वन माइनस वाई नाट, तो ये लिख लिया। और डेल्टा स्केयर वाई नाट था वाई टू माइनस टू वाई वन प्लस वाई नाट, ये वाला ये लिख लिया। इसको सिंप्लीफाई किया वन बाई टू इंटू एट बाई थ्री माइनस टू, तो ये आपके पास सिंप्लीफाई होकर वन बाई थ्री रह जाएगा। अब इसमें से वन बाई थ्री को भी आप कॉमन कर लें बाहर, यानी एलसीएम ले लें। एलसीएम लिया तो ये बन जाएगा सिक्स वाई नाट प्लस सिक्स वाई वन माइनस वाई नाट प्लस वाई टू माइनस टू वाई वन प्लस वाई नाट, ये आ गया। इन सब को आपने सिंप्लीफाई किया तो आपके पास दो इंटरवल के लिए यानी एक्स नाट टू एक्स टू के लिए जो सिम्पसन वन थर्ड फार्मूला बन जाएगा वो एच बाई थ्री वाई नाट प्लस फोर वाई वन प्लस वाई टू। अब अगले दो इंटरवल वो स्टार्ट होगा आपका एक्स टू से एक्स फोर तक, तो ये चूंकि एक्स नाट से स्टार्ट हुआ है तो ये वाई नाट, एक्स टू पे एंड हो रहा है तो ये वाई टू, इसी तरह से ये स्टार्ट हो रहा है एक्स टू से तो ये वाई टू से स्टार्ट होगा, ये एंड हो रहा है एक्स फोर पे तो ये वाई फोर पे एंड होगा। बाकी बिल्कुल सेम इसी कैटेगरी से आपने ये लिख लेना है। एच बाई थ्री लिख लिया, ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा आपका वाई टू फोर वाई थ्री और ये एंडिंग पॉइंट वाई फोर। इसी तरह से आप इसके लिए ये एंथ वाला लिखेंगे, एंथ वाला लिखा, इन सब को एडअप किया, तो ये वो फर्स्ट वाला लिखा, फिर हमने ये सेकंड लिखा और फिर ये एंथ वाला लिखा। इनमें से आपने इनके जो मल्टीपल्स हैं
इनके लिहाज से इनको अलग अलग कर लिया, इनके जो कोफिशेंट 4 आ रहे हैं उनको अलग किया, जिनके 2 आ रहे हैं उनको अलग किया, जिनका सिंगल कोफिशेंट उनको अलग किया, तो ये आपके पास सिम्पसन 1/3 रूल फार्मूला बन गया। इसी तरह सिम्पसन 3/8 के लिए जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला में आपने एन को 3 से रिप्लेस करना है। सिम्पसन 3/8 के लिए एन को 3 से रिप्लेस किया और फोर्थ और हायर ऑर्डर डिफरेंसेस जो है उनको आपने निगलेक्ट कर देना है। ये आपके पास जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला, ये फोर्थ और ये हायर ऑर्डर डिफरेंसेस हैं, इन सब को आपने निगलेक्ट कर देना है। तो ये यानी चार टर्म जो है फर्स्ट फोर क्वाड्रेचर फार्मूला की, ये सर्वाइव करेंगी सिम्पसन 3/8 के लिए। ये लिखी वहाँ, ये हमने लिख ली। अब क्या किया, एन को 3 से रिप्लेस कर दिया, जहाँ जहाँ एन आ रहा है उसमें 3 लिख ले, ये किया। इसके बाद इनको आपने उसी तरह से जैसे सिम्पसन 3/8 में या ट्रेपेज़ॉइडल रूल में किया, आपने इनको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करेंगे, ये सिंप्लीफाई करने से अब डेल्टा वाई नॉट, डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट, डेल्टा क्यूब वाई नॉट, इन सब की आप वैल्यूज यहाँ पे लिख लेंगे। ये उसमें हमने लिखी थी उसमें न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला में, वहाँ से आप देख लेना अगर समझ ना आए। डेल्टा वाई नॉट वाई वन माइनस वाई नॉट, डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट वाई टू माइनस टू वाई वन प्लस वाई नॉट, और इसी तरह से डेल्टा क्यूब वाई नॉट, ये इनको आपने अगेन सिंप्लीफाई किया तो आपके पास ये सर्वाइव करेगी फर्स्ट 3 इंटरवल के लिए, क्योंकि इसके लिए एन आपने 3 लेना है, तो ये फिर एक्स नॉट टू एक्स 3 जो है ये आपका इंटरवल रहेगा। और आपको ये भी पता है कि सिम्पसन 3/8 रूल की जो बेस है ये एक पॉलीनोमियल होती है डिग्री 3 की। तो फिर अगले 3 के लिए एक्स 3 टू एक्स 6, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट एक्स नॉट, यहाँ पे स्टार्टिंग वाई नॉट, एंडिंग एक्स 3 और यहाँ पे एंडिंग वाई 3। इसी तरह से यहाँ पे स्टार्टिंग एक्स 3 है तो ये वाई 3 से स्टार्ट होगा, एंडिंग एक्स 6 है तो ये वाई 6 पे एंड होगा, बाकी वही सब कुछ ठीक है। फिर ये भी हम एंथ के लिए जो है वो लिखेंगे, ये एंथ के लिए लिखा, इनको एडअप किया तो कैटेगरी वाइज आपने वाई नॉट वाई वन वाई टू वाई 3 इनको अलग अलग किया इनके कोफिशिएंट के हिसाब से, फिर कॉमन किया और ये फार्मूला लिख लिया। ये आपके पास बन गया सिम्पसन 3/8 रूल फार्मूला। अब इसके बाद हम एन को 4 से रिप्लेस करेंगे जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला में और आपको मिलेगा बूल्स रूल। ये बूल्स रूल एन इक्वल टू 4 के लिए यानी एक्स नॉट टू एक्स 4, और इसकी बेस जो है इसकी बेस होती है पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री 4। आपको चार चार सब इंटरवल जो है वो काउंट करने हैं, चार चार के लिए एक फार्मूला बनाते जाना है और एंड पे सबको ऐड अप करेंगे तो आपको जनरल बूल रूल फार्मूला जो है वो मिल जाएगा ठीक है। और इसके लिए जो नंबर ऑफ सब इंटरवल्स हैं उनका मल्टीपल ऑफ 4 होना ज़रूरी होता है, जैसा कि ट्रेपेज़ॉइडल में आप जो मर्जी तादाद ले लें, जबकि सिम्पसन 1/3 में आपने इवन नंबर ऑफ सब इंटरवल लेना होते हैं, सिम्पसन 3/8 में आपने मल्टीपल ऑफ 3 लेना होता है या डिविजिबल बाई 3, और इसी तरह बूल रूल में आपको ये देखना है कि वो मल्टीपल ऑफ 4 या डिविजिबल बाई 4 उनकी तादाद होनी चाहिए, वो लिखी। तो ये देखें ये हमने वो टर्म ली, अब क्योंकि इसमें एन इक्वल टू 4 है तो फिफ्थ और हायर ऑर्डर डिफरेंसेज जो हैं वो निगलेक्ट हो जाएंगे, तो जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला से पहली 5 टर्म जो हैं वो सर्वाइव करेंगी। ये वो पहली 5 टर्म लिख ली, इनमें जहाँ जहाँ एन आ रहा है उसको 4 से रिप्लेस किया, ये इनको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास ये रह जाएगा। अब डेल्टा वाई नॉट, डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट, क्यूब और फोर्थ इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे लगाई, इनको मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो लास्ट में जाके आपको फर्स्ट 4 सब इंटरवल के लिए जो बूल्स रूल फार्मूला है वो ये मिला। फिर अगले 4 के लिए आप एक्स 4 टू एक्स 8 जाएंगे और एंथ के लिए आप एक्स एन माइनस 4 से एक्स एन जाएंगे, फिर इनको एड अप करेंगे तो आपको जो है ये जनरल फार्मूला मिल जाएगा। ये अगले 4 इंटरवल के लिए देखा और ये एंथ के लिए इन जनरल, तो इनको हमने ये एड अप किया सब में, देखें 2h/45 आ रहा है तो इसको कॉमन किया, फर्स्ट जो था वो ये लिखा, अब ये सेकंड वाला ये लिख लिया, ये अपने एंथ वाला लिखा, इनको कैटेगरी वाइज आपने अलग अलग किया
तो आपको ये मिला जनरल बूल्स रूल फार्मूला। सेम हेयर आपको वेडल फार्मूला जो है वो ड्राइव करना है फ्रॉम जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला, और वो आपको तब फाइंड होगा जब आप एन को सिक्स लेंगे, यानी जो सब इंटरवल्स की तादाद है वो डिविजिबल बाई सिक्स होनी चाहिए या मल्टीपल ऑफ सिक्स। और फिर उसमें जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला में सेवन्थ और हायर ऑर्डर डिफरेंसेस जो हैं उनको नेगलेक्ट करना है, तो आपके पास जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला की जो पहली सात टर्म है वो सर्वाइव करेंगी, उनमें जहाँ जहाँ एन होगा उसको आप सिक्स से रिप्लेस कर देंगे। ये वेडल रूल ये लिखा हुआ है, ये पहली सात टर्म लिखी पहले, यानी छः डिफरेंसेस, इनमें जहाँ जहाँ पे के पास सिक्स आ रहा है एन आ रहा है उसको सिक्स से रिप्लेस किया, तो लास्ट में आपके पास ये बनेगी। अब इसमें ये जो लास्ट है 41/140, इसको आपने रिप्लेस कर देना है 42/140 से। इस तरह करने से आपको इसमें से सब में से एक ही नंबर कॉमन मिल जाएगा। अगर आप 41/140 रहने देंगे तो फिर कॉमन कुछ नहीं आएगा, एक फार्मूला जनरेट नहीं हो पाएगा। तो ये इससे जो एरर आएगा वो एरर बिल्कुल माइनर सा होगा, उसको हम वैसे ही नेगलिजिबल कर देंगे। ठीक है, तो उस तरह करने से 42/140 करने से ये 3/10 जो है ये कॉमन आ जाएगा। ये कॉमन किया तो आपके पास ये टर्म्स आ जाएंगी सारी। अगले छः इंटरवल के लिए x6 to x12 आपके पास ये फार्मूला बनेगा, और nth के लिए ये बनेगा, और इनको जब आप एडअप करेंगे, यानी nth इसमें हमने नहीं लिया, एडअप करेंगे इनको तो आपके पास ये फार्मूला बन जाएगा वेडल रूल n=6 के लिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।